तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख रहे हैं रोशन जीरो ऑफिशियल। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज जहाँ वर्ल्ड कप होगा वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुँचे नहीं हैं, पर आप लोग को चलिए रास्ता दिखाते हैं। तो गाइस, आप लोग ये बता दीजिएगा कि स्टेडियम क्या आप लोग को लगता है कि बन पाएगा कि नहीं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि बनने से पहले स्टेडियम कैसे दिखता था। तो इसके साथ वीडियो में जरूर से बने रहिए, और चलिए आप लोग को व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा कि बनने से पहले कैसा दिखता है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं ये रहा वो स्टेडियम जहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं अभी तक अच्छा से डेकोरेशन नहीं किया गया है इसका। डेकोरेशन तो नहीं, लेकिन देख सकते हैं कांच भी लगाना है पूरा बाकी है, बहुत ही बाकी है। तो क्या गाइस, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या ये स्टेडियम वर्ल्ड कप से पहले बन पाएगा कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि बन पाएगा फिलहाल, तभी बहुत काम चल रहा है, लेकिन सरकार पर कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। वो लोग कभी एक दिन में बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, तो स्टेडियम क्या चीज़ है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ बनाए जा रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं। तो फिलहाल लाइट सब तो लगा चुके हैं, इलेक्ट्रिक वाला इतना काम सब खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जेसीबी का काम चल रहा है अभी भी, और देख सकते हैं स्टेडियम को भी पूरा तो बना नहीं है, पूरा आधा सुधा है। तो आप लोगों को क्या लगता है जरूर से कमेंट कीजिएगा कि क्या ये बन पाएगा 13 तारीख से पहले वर्ल्ड कप जो है। देख सकते हैं बाकी लाइटिंग वाइटिंग सब लग चुका है यहाँ, बस अभी आउटर सीन बाकी है यहाँ। तो अगर अंदर जाने देते तो आप लोग को अंदर का भी सीन दिखा देते बनने से पहले कैसा दिखता था, लेकिन फिर भी बाहर से आप लोग देख सकते हैं, और आप देख भी रहा होगा कि बना नहीं है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या ये बन पाएगा कि नहीं, हाँ या ना। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग में बने रहने के लिए आप लोग का शानदार दिल से शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।